आज हम आए हैं वास्तु विहार, भागलपुर का ये ब्रांच है। दोस्तों, अपना घर हो ये हर एक आदमी का सपना होता है, लेकिन उस सपने के बीच में जाते हैं बिहार में, खास करके भू माफिया, जो आपके जमीन पे कब्जा कर लेते हैं या आपको ऐसा जमीन बेच देते हैं जो जमीन होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमारे साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है, इसलिए जब हमारे पास एक घर खरीदने का मौका था तो हमने वास्तु विहार को चुना। वास्तु विहार खास करके बिहार में एक ट्रस्टेड ब्रांड है और इन्होंने कई लोगों के सपनों को पूरा किया है। भागलपुर में ही इन्होंने करीबन 650 से ज्यादा घर बनाए, फेज वन में 550 घर और फेज टू में 100 से ज्यादा घर बना चुके हैं। आज मिलते हैं मिस्टर हेमलाल महतो से, जो कि भागलपुर ब्रांच के हेड हैं। वो आपको बताएंगे भागलपुर में किस तरह से वास्तु विहार ने अपने प्रोजेक्ट का विस्तार किया है और लोगों में खुशियां बांटी है उनको अपना घर, जमीन के साथ अपना घर दे करके, और बहुत ही कम दामों में और बहुत ही कम समय में। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर हेमलाल से। आज हम आए हैं वास्तु विहार, भागलपुर का ये ब्रांच है, और हम भागलपुर के ब्रांच में आपको ये बताएंगे कि ये भागलपुर का ऑफिस है वास्तु विहार का। यहाँ मैं आपको डिटेल में मिलाता हूँ यहाँ के हेड से, जिनका नाम है मिस्टर हेमलाल महतो और यहाँ के ये हेड हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनके पास क्या क्या प्लान है और कैसा कैसा घर ये प्रोवाइड करते हैं, कितना चार्जेज आता है। अगर सर आप हमें डिटेल में कुछ थोड़ी जानकारी दे पाएँ तो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी आसान होगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है, वास्तु विहार बिहार में मुख्यतः एक बहुत जाना माना ब्रांड है और इसके बहुत सारे शहरों में ब्रांच हैं। मेरी जानकारी के अनुसार झारखंड में भी इसके कई ब्रांचेज हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें और घर के बारे में थोड़ा जानकारी दें तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे व्यूअर्स को जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार, सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है, और जैसा कि मनीष जी ने बताया आज वास्तु विहार में ये विजिट किए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा हमारे भागलपुर ब्रांच पे आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट, आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, मात्र 580,000 से हमारा रेंज स्टार्ट होता है अपार्टमेंट का। 580,000 में आप दे देते हैं? जी। वाह बाबा, इतना तो घर का सपना पूरा हो जाएगा आदमी का। इन लोगों का तो एक ही सपना होता, हमारा एक घर हो। हम लोग का वही कोशिश रहता है कि आदमी को एक घर मिल जाए, तो 580,000 में आप घर दे देते हैं? जी बिल्कुल। वाह 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 वाह, ये तो बहुत कमाल की बात बताई आपने। और इससे रेंज हमारा जो 580,000 से लेकर लगभग 70,000 तक, यानी कि जिस तरह के लोगों का इनकम है उसके हिसाब से आप अपना घर सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करें हमारा ब्रांचेज की, तो हमारे लगभग बिहार के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में है, कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में है। और मैं बात करूँ स्टेट वाइज, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और यूपी, इन सभी राज्यों में हमारा है, जो कि आप देख सकते हैं लगभग 6 स्टेट और 56 सिटीज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिल्डर 6 स्टेट 56 सिटी, 126 प्रोजेक्ट और 20,000 से ज्यादा घर इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी है, आप चाहें तो इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर के थ्रू। जी, और लगभग हम लोग भागलपुर में 800 घर बना के हैंड ओवर कर चुके हैं और सारे लोग लगभग रह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट में है वो अभी रेंट पे चल रहे हैं। जैसा मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी इनका एक कस्टमर हूँ, मुझे इन्होंने लगभग 3 से 4 महीने में जयंती नाम का एक बिल्डिंग जमीन के साथ मुझे बना के दिया था, जिसे विला भी कहा जाता है। इसको इससे मैं इतना खुश हुआ इनके काम से कि मैंने तुरंत ही दूसरा, जो कि इनका टॉप क्लास बिल्डिंग है जमुना बोल के, उससे मैंने बुक करा लिया, जो कि मैं सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही मनीष जी बात कर रहे हैं। ये कुछ ही दिन पहले, साल भर पहले लगभग लिए थे जयंती बिल्डिंग, जो 3 BHK का होता है डुप्लेक्स, वो उन्होंने परचेज किया और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने काम भी अपने घर पे करवाया है, अपने से भी जी मॉडिफाई भी करवाया। मैं हमारे जो रिक्वायरमेंट था मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारा ये रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ इसे मॉडिफाई कर दीजिए, और इन्होंने जैसा मेरा सोच था उसी के अनुरूप मॉडिफाई करके मुझे दिया। जी जी, उसी को देखते हुए फिर इन्होंने दूसरा भी घर, इससे बड़ा 5 बेडरूम का उन्होंने परचेज किया है, और मैं आशा करता हूँ कि इसे भी हम लोग टाइम फ्रेम पे पूरा करेंगे और मनीष जी के अपने इच्छा अनुसार इस बिल्डिंग को हम लोग पूरा करेंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपके भागलपुर में 2 फेज हैं, फेज वन और फेज टू। फेज वन में तो लगभग सारी बिक्री हो चुकी है, कुछ फ्लैट्स बाकी होंगे मुझे मेरी जानकारी के अनुसार, और फेज टू में अभी वर्क चल रहा है। हमारा सर जितना भी बिल्डिंग लगभग वहाँ पे फेज वन में 550 घर है, वहाँ लगभग 99% घर वहाँ सोल्ड आउट। 550 घर है आपके? हाँ हाँ हाँ, और टोटल लगभग सारा सोल्ड आउट हो चुका है। कुछ बिल्डिंग्स बाकी हैं जो कि 2-4 हैं, वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट भी हो जाएंगे। और हम हमारे भागलपुर के दोनों साइट का जो प्रोग्रेस देखने के बाद, कस्टमर का रुझान देखने के बाद, हमारा फेज 3 भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज है, मतलब फेज 3 भी आप भागलपुर में ला रहे हैं? जी जी जी।
ये तो बहुत बड़ा जानकारी दी आपने व्यूअर्स के लिए। वाह वाह, जल्द आपको ये विदिन ए मंथ में आपको ये गुड्स मिलने वाला है आप सभी बहुत, को बहुत अच्छी बात। और अपनी घर की जो इच्छा है भागलपुर वासियों का वो बहुत जल्द और अपने एक नए डेस्टिनेशन पे साकार होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं थोड़ा और जानकारी चाहता हूँ कि आप हमें बिल्डिंग का नाम भी बता दें, किस किस तरह का और किस किस रेंज का बिल्डिंग होता है, क्योंकि प्राइस में ज्यादा आदमी लोग का इंटरेस्ट रहता है। हमारे पास जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारे पास 4-5 लाख 80 हज़ार से स्टार्ट है, तो वो 1 BHK फ्लैट होता है जो कि 5 लाख 80 हज़ार से स्टार्ट होता है। सेकंड होता है हमारा 2 BHK जो कि आपको 15.5 लाख से स्टार्ट होता है। थर्ड होता है अपार्टमेंट में आपको 3 BHK जो कि आपको 21 लाख से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो हमारा सेगमेंट स्टार्ट होता है बंगलों का, बंगलों में पहले आता है रो हाउस। रो हाउस में हमारे पास एक गायत्री बोल के एक बिल्डिंग्स है, मॉडल्स है जो कि आपको 3 BHK का रो हाउस है। वो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पर आपका टोटल पार्किंग होता है, बीच वाले फ्लोर पे आपको रेसिडेंशियल यूजेज में आपका एक बेडरूम, एक हॉल, किचन, बाथरूम और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम और बालकनी वगैरह होते हैं। तो ये आपको 3 स्टोरी बिल्डिंग 3 BHK का ओनली 26 लाख में हो जाता है सर आपको। 26 लाख जी। और इससे ऊपर अगर जल्दी जाते हैं तो जयंती बिल्डिंग जो आप खुद परचेज किए हुए हैं जी, उसमें आपको 3 BHK है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का ये कंप्लीट बंगलो है। इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में एक बेडरूम, एक हॉल, किचन, बाथरूम और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे 2 बेडरूम, एक बाथरूम का कॉन्सेप्ट है। इससे ऊपर आप जाते हैं कावेरी होता है, कावेरी 4 BHK बिल्डिंग है। इसमें आपको 4 बेडरूम होता है, 2 हॉल होते हैं, 2 किचन होते हैं, 2 बाथरूम होते हैं, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग होती है। इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो एक कात्यानी बिल्डिंग है जो कि आपको ये भी 4 BHK है लेकिन इसमें स्क्वायर फीट थोड़ी ज़्यादा होती है बनस्पत की आपका कावेरी बिल्डिंग से। तो ग्राउंड फ्लोर में इसमें एक हॉल है, किचन है, बाथरूम है और एक पोर्टिको है। उसके ऊपर पे आपको 3 बेडरूम्स, एक बालकनी और एक बैक साइड में भी बालकनी इसमें मौजूद होता है। इससे ऊपर जो अगेन आप जो परचेज किए हैं जिसका नाम यमुना है, ये हमारा 5 BHK है। इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम, एक हॉल, 2 बाथरूम, एक किचन और एक पूजा रूम भी इसमें इंप्लीमेंट में दिया गया है। और इसके ऊपर फ्लोर पे जाते हैं तो 3 बेडरूम, 2 बाथरूम, एक हॉल और 3 बालकनी। जी दोस्तों, 3 बालकनी एक बिल्डिंग में बहुत ही कम देखा जाता है। इस बिल्डिंग यमुना बिल्डिंग जो है कंप्लीट विला के तौर पे हमारे यहाँ जाना जाता है और लोगों की ख्वाहिश रहती है कि इस बिल्डिंग को मेरे पास विकास होता है। तो ये सारा रेंज हमारे पास है। अच्छा, एक और मुख्य चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिए अगर आदमी SBI से लोन लेना चाहे, क्योंकि हमारा भरोसा होता है कि अगर लोन मिल रहा है तो बिल्डिंग सही होगा, क्योंकि कोई आदमी को बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, तो क्या SBI से लोन मुहैया करा देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे पास जो भी कंज्यूमर आते हैं 90% लोग लोन लेना चाहते हैं। उनके पास पैसे उतनी भरपूर मात्रा में नहीं होते जो एक बार पैसे दे के बिल्डिंग ले लें। तो हमारा जो कस्टमर रेंज है वो एम्प्लॉय कैटेगरी के होते हैं और ये कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाते हैं पैसे पे। तो हम लोग बैंक से SBI हो, कैनरा बैंक हो, LIC हो, यानी कि आप कहें तो जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक जो भी है वहाँ से आपको लोन मुहैया हो जाती है। बहुत ईजी वे में आपको कहीं किसी बैंक को भटकने की जरूरत नहीं, आप हमारे ऑफिस पे आए, आपका सारा काम हमारे ऑफिस से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, अपना कीमती समय निकाला इसके लिए, और मैं इसको YouTube में डालूंगा और हमारे व्यूअर्स तक पहुंचेगी। और आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे इस शहर के या भागलपुर के या किसी दूसरे शहर के, तो आप उसको सुविधा उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि आप तो वास्तु विहार परिवार के हैं। बिल्कुल। और ये मनोज तिवारी जो है ये आपके ब्रांड एम्बेसडर है। जी बिल्कुल, हमारे ब्रांड एम्बेसडर है और फ्रॉम द बिगनिंग और अभी तक हमारा जो 20 साल का जर्नी है, एक हमारे साथ एक परिवार के तौर पर हम लोग रह रहे हैं और एक दूसरे का पूरा। मैंने आपका फेज 1 और फेज 2 दोनों देखा है, बहुत ही कमाल का बिल्डिंग है, लोग काफी खुश हैं आपके बिल्डिंग के साथ। और हर जो भी बहुत सारे जो आपके हैं उन जो रीसेल मतलब दूसरा जो बिल्डिंग खरीदते हैं वो आपके बहुत सारे पुराने ग्राहक ही हैं जो आपके दूसरा बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इतने ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल, इस वाक्य से मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष जी कि हमारा जो फेज 1 का जो सक्सेस था, चूंकि वहाँ पे कुछ लोगों को हम बंगलो नहीं दे पाए, उन्ही लोगों के डिमांड की वजह से हमने फेज 2 लॉन्च किया और 50% लोग जो वहाँ नहीं ले पाए थे वही लोग वहाँ पे फेज 2 पे लिए हैं और बाकी कुछ नए लोग लिए हैं। और इसी तरह से जो फेज 2 में भी अभी हम अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं वो हमारे 3rd फेज में वो आने वाले हैं बहुत जल्द। एक बात और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इनका ऑफिस देखिए आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनका ऑफिस है, ये इनके स्टाफ है, यहाँ पे सारे लोग हैं, तो ये इनसे भी आप मिल सकते हैं इनके। यहाँ पे इन्होंने कोई भी
हाफ डिप जैसा दिखाने की कोशिश नहीं किया है कि बहुत दिखावटी प्रदर्शन करने का कोशिश नहीं किया है। मैं कई जगह गया हूँ जहाँ पे लोग दिखावट का प्रदर्शन करते हैं, लाखों रुपये खर्च कर देते हैं और जब बिल्डिंग देने की बात आती है तो पता चलता है उनको अपने समय पर सामान मिला ही नहीं या उनके साथ धोखा हो गया। यहाँ पर जब मैं इनके ऑफिस में आया तो सबसे पहला चीज़ मुझे जो प्रभावित किया इस ऑफिस ने प्रभावित किया था, तो आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपको अगर इसमें पूरी जानकारी मिली हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे और अच्छे कंटेंट लेके हमेशा आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।